हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू साइंस की, और चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम पहले चैप्टर में बहुत सारे लिस्ट बनाए हैं कि लोग खाते क्या है, किस किस टाइप के फूड खाते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, लाइक चापाती, ब्रिंजल करी एंड अदर थिंग्स, सांबर, भिंडी एक्स्ट्रा, जिसको लेडी फिंगर या ओकरा भी कहते हैं। तो आप जो ये फूड खाते हैं उसमें कम से कम एक आइटम जो होता है वो किसी ना किसी ग्रेन से बना होता है। ग्रेन्स मीन्स इट कुड बी दाल और गेहूँ, राइस एक्स्ट्रा, एंड अदर आइटम हो सकते हैं वेजिटेबल्स, दही, बटर मिल्क, अचार, ये सब हो सकते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन ये आ जाता है, हम फूड खाते क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है अलग अलग टाइप का फूड खाना। तो वी कंज्यूम फूड टू गेट न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी एंड अदर थिंग्स। तो हम यहाँ पे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट्स, तो हम यहाँ पे सम टेबल दिया गया है जिसमें अलग रीजन और स्टेट के लोग क्या खाना खाते हैं। जो यहाँ पहले है पंजाब, मक्की की रोटी, मक्की मीन्स कॉर्न की रोटी, राजमा, किडनी बीन्स, सरसों का साग, हम पहले बात किए हैं मस्टर्ड, लीफ करी, घी, कॉर्न। यहाँ आंध्र प्रदेश का है राइस, तुअर दाल एंड अदर थिंग्स, बटर मिल्क, घी, पिकल्स एक्स्ट्रा। अलग अलग रहने वाले लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप की, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की फूड कंज्यूम करते हैं। तो हम जो फूड खाते हैं उसमें होता है न्यूट्रिएंट्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये चीज़ हमें हमारी बॉडी को मिलता है थ्रू द फूड डेट वी ईट। तो इसमें उसमें और भी मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ होती है। तो डाइट्री फूड एंड वाटर विच आर नीडेड फॉर आवर फाइबर आर नीडेड फॉर आवर बॉडी। तो ये सारी जो चीज़ मिलती है, जो खाने में जो कंपोनेंट्स है फूड की, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी को हेल्दी करती है, अलाइव रखती है, हमारी बॉडी को डेवलप करती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आता है कि Do all food contains nutrients? ये हमारा क्वेश्चन आता है। तो जब हम खाने को कुक करते हैं, जब पकाते हैं, रॉ इन्ग्रीडियंट, अनपकी कच्ची चीज़ लेकर हम जब पकाते हैं, तो इस प्रोसेस में जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारी, और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ऐसे जो भी कुछ चीज़ होती हैं वो जल जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम खाने से पहले कुछ रॉ कच्ची फल और सब्जियाँ खाएं। तो अब फूड में ये सारी प्रोटीन, फैट, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसके चेक करने के लिए कुछ सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये सारी जो सॉल्यूशन है इसमें हम फूड के छोटे से पार्ट को डाल के टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स है। तो अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो दे आर मेनली टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अ बॉडी एंड नॉर्मली होता है फैट और स्टार्च एंड शुगर। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आलू में होता है, छोटी छोटी आलू में भी होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा टेस्ट ऑफ स्टार्च। तो देखिए ये आलू में आयोडीन डाल के टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पर ऊपर देखिए तीन ठो दिया गया है, जूलिट सॉल्यूशन, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। इन सब चीज़ों से पता चलेगा कौन से फूड में कौन सी क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ों के बारे में। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर आप आलू में आपने आयोडीन डाला आलू के ऊपर,
उसमें ब्लू या ब्लैक कलर आया, इसका मतलब है इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो हम किसी भी इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, यू नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। तो आप किसी भी सॉलिड चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए पेस्ट बनाइए, थोड़ा गीला कीजिए, लूज कीजिए, ग्राइंड कीजिए, मैश कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब में डालकर उसको टेस्ट कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा वाटर डालिए, ये सब आपको हेल्प करेगा टेस्ट करने में। सो जिस खाने में प्रोटीन प्रोटीन होगा उसका वायलेट कलर आएगा आफ्टर एडिंग सॉल्यूशन टू द फूड। तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट दिए गए हैं जिनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि रॉ पोटैटो स्टार्च होते हैं, मिल्क में प्रोटीन होता है, ग्राउंड नट्स में फैट फैट प्रेजेंट होता है। जो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट एंड कोसेटिक सोडा का इस्तेमाल करना पड़ेगा टेस्ट फॉर फैट। तो नॉर्मली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे लाइक ऑयली थिंग्स, तेल, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर फैट फैट वाली होती है, और भी बहुत सारी जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये सब है, मक्के, ऊख फ्रूट्स है, पपाया, राइस, ब्रिंजल, और ये सारी जो सोर्सेस है फैट है, फैट्स की है प्लांट सोर्स एंड एनिमल्स, और दोनों है यहाँ पे घी, मूंगफली, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत सारी फूड आइटम्स के बारे में दिया गया है जो हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, विटामिन्स देती है, हमारे बॉडी को हेल्थी रखती है। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स लाइक विटामिन ई, सी, डी, ई, के, इन सब ये सब कुछ तरह के विटामिन्स हैं। जो विटामिन डी है वो इस सब नॉन वेज चीज़ों में मिलता है, मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है विटामिन डी, एंड सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी जो वेजिटेबल्स में मिलता है विटामिन बी लाइक व्हीट, लीवर, राइस, और बहुत सारी चीज़ों में ये सारे विटामिन मिलते हैं। एंड इवन द सनलाइट होता है, इसका हमारे बॉडी पे पड़ना बहुत ज़रूरी है अच्छे से ग्रोथ के लिए एंड विटामिन डी के लिए भी। सन ऑल्सो प्रोवाइड विटामिन डी। सो अब हम नेक्स्ट बार बात करेंगे डाइट्री फाइबर एंड वाटर। डाइट्री फाइबर ऑल्सो नोन एज रॉफेज, रॉफेज इज मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर आवर फूड, फुल ग्रेन्स, पल्स। सो डाइट्री फाइबर जो होते हैं ना वो होते हैं पल्सेस, पटैटो, फ्रेश फ्रूट, ये सभी चीज़ों को डाइट्री फाइबर्स बोला जाता है। तो अब हम इसे बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, जो कि होता है सब कुछ मिलाकर दाल, ग्राउंड नट्स, रोटी, चावल, एनिमल एनिमल प्रोडक्ट्स, गुड़, ये सब जो चीज़ें मिलाकर खाने को बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो अब हम इसमें देखेंगे ओबेसिटी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे बॉडी के लिए फैट बहुत ज़रूरी है, सो इट्स नॉट लाइक दैट वी विल स्टॉप ईटिंग राइस, स्वीट्स एंड अदर थिंग्स एंड ओनली गोइंग टू कंज्यूम ड्राई फ्रूट्स एंड ऑयली थिंग्स, दैट विल मेक यू फैट एंड दिस विल बी नोन एज ओबेसिटी। ओबेसिटी। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेफिशिएंसी डिसीज। सो ये डेफिन अ पर्सन में भी इनफ फूड बट समटाइम में भी इनफ करने पर कर, जब हम कुछ फूड खाते हैं जिसमें सभी तरह के, जब हमारे बॉडी को जो सभी तरह के विटामिन मिनरल्स ये सब नहीं मिल पाते, तो हमें जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो यहाँ पे सम डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में दिया गया है जो हमारे खाने में विटामिन की कमी से एंड मिनरल्स कमी से होती है। जैसे कि अगर हमारे
खाने में विटामिन ए कम है तो हम विल लूज वर्जन, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाएगा। विटामिन बी वन बेबरी स्क्रोरी ब्लीडिंग गम्स, विटामिन सी कम हुआ तो हमारे दांतों से थोड़ा खून निकलेगा, ये ऐसा कुछ होता है। और विटामिन डी नहीं मिलता अगर हमारे बॉडी को तो हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। कैल्शियम अगर हमारे खाने में ना हो, जो हम मिल्क पीते हैं उसमें कैल्शियम होता है, अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो हमारे जो बोन्स और टूथ जो दांत है वो डिक्ले हो जाता है। इन और भी बहुत सारे, और आयरन की कमी से हमें एनीमिया होती है। इसमें जो हम अब बात करते हैं कीवर्ड के बारे में, हमने बात किया बैलेंस डाइट, बेबरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रॉ फिश, स्टार्च, विटामिन्स। सो हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है जिसमें हम सभी तरह की फूड आइटम्स खाएं, जिसमें हर तरह की विटामिन्स मिनरल्स पाई जाए, और इससे हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे अहेड।